हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों के साथ ट्रैवल करने में सबसे बड़ा चैलेंज उनके फूड को लेकर आता है, और ये चीज़ मैंने तब एक्सपीरियंस किया था जब मैं 7 मंथ्स के मेटर्निटी लीव के बाद अपनी बेटी को वर्कप्लेस पे लेके जाती थी और वहाँ पे कोई कुकिंग अलाउड नहीं था। उस टाइम पे मैंने जो भी अरेंजमेंट किया था वही अरेंजमेंट मुझे हर ट्रैवलिंग में भी काम आया है, और वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ सिचुएशन बेस्ड सैम्पल डाइट प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगी। डायरेक्टली डाइट चार्ट पे स्किप मत करिए, नहीं तो आपको बहुत सी चीजें उसकी समझ में नहीं आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग प्लान करने के लिए एक लिस्ट अपने पास हमेशा रखिए। लिस्ट में पहला आता है, हमें कुछ डब्बे तैयार करने होते हैं, जैसे कि एक डब्बे में ओट्स को ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके रखिए। उसके बाद दूसरा डब्बा पफ राइस को आप ग्राइंड करके रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा डब्बा कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके रखिए, अगर बहुत छोटा बच्चा है, और अगर 1 साल से ऊपर का है तो आप प्रॉपर कॉर्नफ्लेक्स रख सकते हैं। उसके बाद चौथा डब्बा हमारा होगा मखाना का। मखाना को ड्राई रोस्ट करिए, ग्राइंड करिए और उसका पाउडर बनाकर रखिए। और 5th डब्बा होगा, वो आपका लिस्ट में सेकंड आता है, यानी कि फॉर्मूला मिल्क का पाउडर। इवन इफ आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, आपने फॉर्मूला मिल्क कभी दिया नहीं है, पर ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा मिल्क पाउडर रेडी रखिए। अगर 1 साल के ऊपर का बच्चा है तो आप काउ मिल्क बाहर का भी दे सकते हैं गर्म करके, बॉयल करके, बट मैं ये चांस नहीं लेती थी तो मैं हमेशा ही मिल्क पाउडर कैरी करती थी। 1.5 से 2 साल तक के बच्चों का भी फॉर्मूला मिल्क रहता है, तो आप ये इमरजेंसी इंस्टेंट मिल्क बनाने के लिए पाउडर हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। मिल्क पाउडर को बनाने के लिए आपको गर्म पानी लगेगा, तो उसके लिए आपका 3rd स्टेप आता है कि आप एक इलेक्ट्रिक केटल, वो आप ले सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें मैं करती थी, या तो आप उसमें फॉर्मूला मिल्क के लिए पानी गर्म कर सकते हैं, आप नॉर्मल काउ मिल्क उसमें गर्म कर सकते हैं 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए, और तीसरा आप उसमें एग बॉयल कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर मिल्क रेडी है तो आपको वो ऊपर के जो आपने 4 डब्बे बनाए थे उनको बनाना कैसे है। कॉर्नफ्लेक्स में आप सिंपल मिल्क बना के कॉर्नफ्लेक्स में डाल सकते हैं। ओट्स भी हमारा ऑलरेडी ड्राई रोस्टेड है तो वो पका हुआ ही है, तो उसमें भी आप सिंपल मिल्क डाल के बना सकते हैं, और उसको स्वीट करने के लिए आप या तो गुड़ डाल दीजिए या फिर आप बनाना डाल सकते हैं। उसके बाद मूढ़ी अगर है तो उसमें भी आप मिल्क से ही आपको पॉरेज बनाना है। मखाना अगर है तो मखाने के साथ आप मिल्क का पॉरेज भी बना सकते हैं, या फिर सिंपल गर्म पानी डाल के भी आप उसका खीर बना सकते हैं, दूध की ज़रूरत नहीं होती है। ये 1st 3 स्टेप्स में हमारे बच्चे का प्रॉपर मील तैयार हो गया है। उसके बाद 4th ऑप्शन आता है बॉयल्ड एग, जो कि आप 7 to 8 मंथ्स के बाद ही बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड मैं खुद एग नहीं खाती थी, बट मैंने अपने बच्चे को खिलाया है एंड वो एक्चुअली सेवियर रहा है मेरे लिए। कुछ नहीं मिलता है तो एटलीस्ट एग तो अवेलेबल हो ही जाता है, तो उसको आप उसी केटल में बॉयल करके बच्चे को दे सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉपर मील हो जाता है बच्चों के लिए। उसके बाद 5th ऑप्शन में हम आते हैं, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में वंडर फ्रूट होता है बनाना, जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हर जगह पर मिल जाएगा, और अगर बच्चे को ये अच्छा लगता है तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ नहीं मिल रहा है, बनाना दे दो। बड़ा बच्चा है तो आप 2 बनाना भी एक साथ बच्चे को दे सकते हैं। आप जो भी स्टेप 1 के डब्बों में से कुछ भी पॉरेज बना रहे हैं, आप उसको मीठा करने के लिए बनाना दे सकते हैं, तो वो एक हैवी मील भी हो जाता है। केले को देने के लिए आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आप सिंपल हैंड से उसको हाथ से मैश करके दे सकते हैं, स्पून के बैक साइड से आप उसको मैश करके दे सकते हैं। तो सबसे ईजिएस्ट फ्रूट वही है, केले का प्यूरी बनाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने 6 मंथ्स के बाद जब सॉलिड स्टार्ट किया था तो मैंने बनाना डायरेक्टली मैश करके ही बच्चे को खिलाया था, तो आप अगर अच्छे से मैश करते हैं तो बच्चा आराम से उसको खाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट होता है अनार, तो वो भी एक ऐसा फ्रूट है कि जो लंबे देर तक चलता है, तो आप उसको घर से ही लेके जा सकते हैं। अगर आप 3-4 दिन के वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको बाहर की चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होता है पपाया, वो भी मोस्टली हर जगह पर अवेलेबल रहता है, और अगर बहुत पका हुआ रहेगा तो आपको उसका भी प्यूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैश करके आप बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट होता है ऑरेंज। ऑरेंज का जो ऊपर का व्हाइट पोर्शन
होता है उसको आप पील करके अंदर का सॉफ्ट पोर्शन अगर बच्चे को देंगे खाने के लिए तो 7 महीने का बच्चा भी उसको खा सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का डर लग रहा है तो आप मैकेनिकल जूसर ले सकते हैं फ्रूट जूस बनाने के लिए। अगर आप सिंगल डे आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो जो मॉर्निंग का मील घर से निकलते वक्त बच्चा खाएगा उसको आप हैवी रखिए, फिलिंग रखिए, जैसे कि ओट्स हो गया, दलिया हो गया या फिर सूजी, ये 3 चीज़ बच्चे को खिलाइए। फिर दिन भर में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आप बनाना या फिर कोई भी सिंपल सा फ्रूट बच्चे को दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गर्म पानी का सुविधा है तो फिर आप गर्म पानी करके बच्चे को फॉर्मूला मिल्क बना के दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी पाउडर अगर रखा हुआ है आपने तो उन पाउडर्स में पॉरिज बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ सैम्पल डाइट प्लान्स। ये देखिए, कुछ 6 to 8 months के लिए सिंगल डे आउटिंग अगर आप एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते वक्त ही आप बच्चे को हैवी खिलाइए, जैसे कि सूजी हो गया, ओट्स और फिर दलिया जो कि बहुत फिलिंग होता है। उसके बाद दूसरा मेन मील होता है उनका लंच, तो उसमें से आप अगर आपके पास गर्म पानी का सुविधा है तो एनी स्टेप वन रेसिपी जो भी हमने देखा वो बनाइए। डिनर क्योंकि बच्चे घर पर करेंगे तो फिर आप एक कम्प्लीट मील दे सकते हैं दिन भर का कंपेंसेट करने के लिए, तो खिचड़ी दीजिए, खिचड़ी विद घी। उसके बाद ब्रंच हो या स्नैक्स हो उसमें आप कोई भी फ्रूट मैश दे सकते हैं, फॉर्मूला फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं और बीच बीच में भी आप उनको फीड ही करा सकते हैं। उसके बाद 8 to 12 months के लिए सेम ही रहेगा सिंगल डे आउटिंग में, बट यहाँ पे मैंने बॉयल्ड एग ऐड किया है ब्रंच में, बिकॉज 8 months के बाद आप बॉयल्ड एग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो 6 to 8 months के लिए जो फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट मील होता है, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच एंड डिनर, तीनों में आपको वो स्टेप वन रेसिपी ही यूज़ करनी होगी। उसके अलावा ब्रंच, स्नैक्स या फिर बीच बीच में आप वैसे ही फीडिंग करा सकते हैं। उसके बाद 8 to 12 months बेबी के साथ अगर वेकेशन पे जा रहे हैं तो इसमें भी 3 मेजर मील्स जो होगा उसमें आप स्टेप वन रेसिपी ही यूज़ करिए, क्योंकि है तो वो अनाज ही, तो वो बच्चे के लिए फिलिंग रहेगा। बाकी की चीज़ें आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए बॉयल्ड एग भी लंच में ऐड किया हुआ है, तो क्योंकि 8 महीने के बाद हम एग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद 1 से 2 साल के बच्चे के साथ अगर आप वेकेशन पे जाते हैं तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में एनी स्टेप वन रेसिपी तो मैंने लिखा ही है, पर अगर वो आपके पास नहीं भी है तो आप इडली डोसा ट्राई कर सकते हैं बाहर का। आप बिल्कुल गर्म गर्म बनाने के लिए बोलिए तो वो सेफ रहता है। आप गर्म गर्म प्लेन राइस दे सकते हैं बच्चे को खाने के लिए, वो भी आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद आप कर्ड राइस बच्चे को दे सकते हैं अगर उसको कर्ड अच्छा लगता है तो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।